पहले इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, फिर धमकी भी दी। एक कहावत है कि मारता भी है और रोने भी नहीं देता। कुछ यही हाल है ईरान का। जी हां, बीती रात उसने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। पूरे यरूशलम की आसमानों पर बस दिवाली की तरह मिसाइलें फट रही थी। इससे पूरे इसराइल में तहलका मच गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। लेकिन जब इजरायली प्रधानमंत्री ने बदला लेने की बात कही तो ईरान ने कहा, जवाब दिया तो पूरे इजरायल में हमले करेंगे। ईरान 200 मिसाइलों से हमला करने के बाद भी फायर मोड में ही दिख रहा है। आर्मी चीफ जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की ओर से इजरायल को धमकी तक दी गई, यदि उसने ईरानी हमले के जवाब में एक्शन लिया तो फिर खामियाजा भुगतना होगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि यदि अब इसराइल अटैक करता है तो हम उसके हर ठिकाने को टारगेट करेंगे। गौरतलब है कि अब तक हमास और इसराइल के बीच बीते एक साल से जो लड़ाई चल रही थी वह विस्तार रूप ले चुका है। एक तरफ बीते 10 दिनों से इसराइल की जंग हिजबुल्लाह से भी चल रही है और उसने लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, तो वहीं ईरान ने भी इसराइल पर मंगलवार को 200 मिसाइलें एक साथ दाग दी। इसराइल ने दावा किया कि मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिया और सिर्फ वही मिसाइलें धरातल पर गिर पाई जो रिहायशी इलाकों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस हमले में दो बड़ी शक्तियों को आमने सामने तो लाकर खड़ा ही कर दिया। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका ने भी अतिरिक्त सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं इसराइल ने कसम खा ली है, या तो ईरान ही बचेगा या फिर हम ही रह जाएंगे। इसराइल के अलावा ईरान भी अब फुल एक्शन मोड में है। 200 मिसाइलों से हमला करने के बाद भी फायर मोड में है। ईरान के आर्मी चीफ जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी के बयानों के मुताबिक इसराइल को धमकी दी गई है, यदि उसने ईरानी हमले के जवाब में एक्शन लिया तो फिर खामियाजा भुगतना होगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि यदि अब इसराइल अटैक करता है तो हम उसके हर ठिकाने को तबाह कर देंगे, उसे ही टारगेट करेंगे। ईरान ने साफ कह दिया कि इसराइल के हर कोने में अब हमले होंगे। मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी ने कहा, अब इसराइल ने कुछ भी किया तो हम बड़ा हमला करेंगे और उसके हर इलाके को निशाना बनाएंगे। मंगलवार को ईरान की ओर से किए गए मिसाइल अटैक्स की फुटेज ईरानी मीडिया में खूब चल रही है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनके बारे में लिखा जा रहा है, इनकी तस्वीरें साझा की जा रही हैं। कुछ जगह सवाल किया जा रहा कि आयरन डोम सिस्टम क्या उसकी हवा निकल गई। इसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान ने इसराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की। इन हमलों में इसराइल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अरब और मुस्लिम जगत को यह संदेश देने की कोशिश कर दी कि वह फलस्तीन और लेबनान का बचाव कर रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। उधर इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान ने तकरीबन 180 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकतर को बीच में ही रोक लिया गया, और इजरायल अब कह रहा है ईरान का बचना मुश्किल है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बाकी की तमाम सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।